नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इंग्लैंड में टीम इंडिया के साथ हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारियों में लगे हैं। जडेजा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और फैंस के लिए आए दिन फोटो और वीडियो भी शेयर करते रहते हैं। उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसे उन्होंने सेल्फी बताया है। इस पर फैंस ने अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाना है। टीम इंडिया फिलहाल इंग्लैंड में इस मुकाबले की तैयारियों में जुटी है। टीम इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में खेलने उतरेगी और प्लेइंग 11 में जडेजा को जगह मिलना लगभग पक्का माना जा रहा है। इससे पहले वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फैंस इस फोटो को खूब पसंद कर रहे हैं और पोस्ट पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बता दें, रविंद्र जडेजा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो काले रंग की टी शर्ट और पैंट पहने हुए हैं, साथ ही शर्ट को पहनने की कोशिश में हैं। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, आत्मविश्वास का स्तर, बिना किसी फिल्टर के सेल्फी। उन्होंने साथ ही हैशटैग में लिखा, लाइफ स्टाइल और ड्रेस कोड। आपको बता दें, जहां पुरुष टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC फाइनल के लिए कमर कस रही है, महिला टीम वनडे और T20 खेलने से पहले एक टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम से भिड़ेगी। हैम्पशायर बाउल में आइसोलेशन शुरू करने से पहले खिलाड़ियों का फिर से कोरोना टेस्ट हुआ। आपको बता दें, आइसोलेशन के दौरान नियमित तौर पर टेस्ट किए जाएंगे। नेगेटिव टेस्ट के बाद धीरे धीरे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की अनुमति मिलेगी। पहले उन्हें छोटे समूह में, फिर बड़े समूह में अभ्यास की अनुमति होगी। बता दें, रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन IPL 2021 में बल्ले और गेंद दोनों से ही जबरदस्त रहा था। पिछले कुछ समय में जड्डू ने भारतीय टीम को कई यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी चोटिल होने से पहले जडेजा का प्रदर्शन लिमिटेड ओवर सीरीज में दमदार रहा था। भारतीय टीम 3 जून को इंग्लैंड पहुंची थी और 3 दिन के कड़े क्वारंटाइन करने के बाद टीम को प्रैक्टिस की अनुमति मिली है। हालांकि टीम को 10 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड अभी पूरा करना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।